गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे और खुश भी होंगे। तो गाइस इस वीडियो को मैं बनाने के कॉल एक आराम से पर्पस है, राइट। मैं चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली कल क्या सोचने वाले हो, सर क्या एग्जैक्टली होने वाला है, एवरी सिंगल थिंग मैं आपके सामने भी डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, ज़्यादा हम बातें नहीं करने वाले इस चीज़ के अंदर में। बट हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड आई होप आपकी इवनिंग बहुत अच्छी जा रही होगी और आई होप आपने आज अच्छा खासा कमाया होगा स्ट्रीम पे आकर के भी और वैसे भी, राइट गाइस। तो मेरा एनालिसिस बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। मेरे को पता है कि मार्केट के अंदर में एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ मार्केट को बहुत बड़े टाइम फ्रेम को लेकर के, तो एक बहुत प्यारा सपोर्ट लेवल है मार्केट को इस लेवल से, राइट गाइस। ये लेवल एकदम सपोर्ट लेवल है जो अभी तक मार्केट ने स्ट्राइक, जब भी मार्केट ना एकदम स्लांट एकदम सीधा चलता है 90 डिग्री को भी, 90 डिग्री से भी स्ट्रेट की तरफ चलता है, तो उस टाइम प्रॉब्लम मार्केट में आती है। अभी मैं पहले बताता हूँ कि निफ्टी को एनालिसिस करने से पहले मैं कुछ इंडेक्सेस की बात करने वाला हूँ गाइस आपके साथ में, राइट। अगर मैं आपके साथ में कुछ इंडेक्स की अगर बात करूँ गाइस, तो इंडेक्स कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। और फिर मैं आपको बैंक निफ्टी का बताऊँगा और निफ्टी का। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। अगर मैं FMCG प्रोडक्ट्स की बात करूँ, FMCG बहुत हाई है। ये रेड कैंडल आपको सिर्फ इतना बता रहा है दिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, बट वी कांट से एनीथिंग बाय दिस रेड कैंडल। तो FMCG हमारे लिए कुछ इतना अच्छा अदा नहीं कर रहा है ट्रेड में। मीडिया सेक्टर, अगर मैं मीडिया सेक्टर की बात करूँ, तो भाई मीडिया सेक्टर में आप लोग देख पाएंगे बहुत अच्छे से कि मीडिया सेक्टर बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे। इफ़ यू सी दैट मीडिया आपको बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे, अगर मीडिया है तो मीडिया का कौन सा ऐसा शेयर है जो सपोर्ट लेवल से उठ सकता है, दैट इज नॉन अदर देन ZEE एंटरटेनमेंट, राइट। ZEE एंटरटेनमेंट को आप ध्यान से देखेंगे ना गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो भी डेली टाइम फ्रेम में, बिकॉज मैं आपको ये ओवरऑल एनालिसिस दे रहा हूँ। मुझे पता है कि 110% आदमी अभी के टाइम पे कॉल में फंस चुका है और उस कॉल को फंसने के बाद में उसको कैसे रिकवरी करे समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए एनालिसिस मैं करके चल रहा हूँ। ZEE एंटरटेनमेंट को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ZEE एंटरटेनमेंट को ध्यान से देखेंगे तो ZEE एंटरटेनमेंट में कहीं ना कहीं कुछ दिन और थोड़ा सा कंसोलिडेशन या डाउनसाइड का मोमेंटम देख रहा हूँ। तो अगर आपको यहीं से ZEE मीडिया की अगर बात करूँ, तो मीडिया सेक्टर अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। अगर अपसाइड का मोमेंटम आएगा, आप देख सकते हो कि पूरा जून जुलाई अगस्त पूरा गिरा मार्केट, पर निफ्टी पे इतना असर नहीं पड़ा। तो मतलब मीडिया सेक्टर उठेगा तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखाएगा, बट इतनी ज़्यादा नहीं। तो मीडिया सेक्टर आप अपनी अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखेंगे कैसे एग्जैक्टली डेली टाइम पे। मेटल भाई, आप मेटल को ध्यान से देखोगे तो मेटल एक कंसोलिडेशन फेज से टूट करके सीधा अपना गैप फिलिंग कर दिया आज। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ वेरी फार कॉन्ट्रैक्ट है अपने लिए मार्केट में, अपने लिए कि यहाँ से रिजेक्शन बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट हो रहा है मार्केट, और प्लस मार्केट ने इसने इधर से एक ब्रेकआउट भी दिया था। पर एग्जैक्टली ये निफ्टी का एनालिसिस बता रहा हूँ कि निफ्टी को देखने से पहले आपको एग्जैक्टली क्या क्या देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद है, तो निफ्टी के अंदर एक अपसाइड की मोमेंटम मेरे को देखने को मिल सकती है। कहाँ से? वो भी इस लेवल के अराउंड अप से। फिर फार्मा की मैं बात करूँ, निफ्टी फार्मा भाई, नो डाउट निफ्टी फार्मा अब तो उठना स्टार्ट हुआ है और अब उठता ही चला जाएगा। तो बी रेडी गाइस, निफ्टी फार्मा आपको निफ्टी के अंदर में उठता हुआ देख सकते हो। डॉक्टर रेडी, लुपिन, निफ्टी 50 थोड़ी देर में बात करते हैं। निफ्टी मेडिकैप को भी नहीं देख रहा हूँ। रियलिटी स्टॉक की मैं बात करूँ मेरे भाई, इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है। तो कहने का मतलब है कि आपको रियलिटी स्टॉक ऊपर जा सकते हैं मार्केट में ले जाने के लिए, आपको मीडिया सेक्टर, आपका फार्मा सेक्टर, ये तीन सेक्टर स्ट्रांग है बाइंग साइड को लेकर के, जो मैं सोच रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी का थोड़ी देर में एनालिसिस देता हूँ मेरे भाई मैं आपको। आईटी जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अब आईटी के अंदर में शायद हो सकता है कि कंसोलिडेशन फेज थोड़ा सा रह करके थोड़ा डाउनसाइड का मोमेंटम आके फिर मार्केट एक ऊपर दे, बट मैं आईटी सेक्टर में कुछ कम से कम 1 से 2 वीक्स इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा। PSU बैंक्स, अब PSU बैंक्स एक सबसे बड़ा मेजर रोल अदा करने वाला है कुछ दिनों के अंदर में। वाई? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक PSU बैंक जैसे कि SBI आप देख सकते हो कि मैंने दिया हुआ है आपको, SBI आपके लिए बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट करेगा आपको और कहीं ना कहीं आपको पैसा बना करके दे सकता है। जैसे कि एनालिसिस मैंने अपने डिस्कशन ग्रुप में भी डाला हुआ है और अलग अलग, कि आप PSU बैंक्स को मैं कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। अगर ऐसा होता है, मैं सिर्फ 2400 का लेवल देख रहा हूँ, अगर 2400 का लेवल टूटता है तो भाई इसके अंदर में बहुत स्ट्रांग बाइंग लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी को 38,000 से ड्राइव करना PSU बैंक्स के लिए इजी हो जाएगा। लेकिन SBI, मैं SBI पे ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज SBI एक अच्छा स्टॉक रहने वाला है इन अपकमिंग डेज में।
अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी सेक्टर नो डाउट एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा बूम किया है, पर मैं एनर्जी सेक्टर को एक रीटेस्ट 19,700-19,800 के नियर बाय देख रहा हूँ। तो मतलब अभी हमारे पास में काउंटर पार्ट कौन कौन सा है, एज लाइक पीएसयू बैंक्स, फार्मा बैंक, फार्मा, मेटल थोड़ा सा बुलिश रहेगा, मीडिया, इन तीनों चारों चीज़ों को लेकर के अच्छा है। बट आईटी सेक्टर अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर में गैप फिलिंग हो सकती है। लास्ट ऑटो सेक्टर, भाई हम ऑटो सेक्टर को नहीं भूल सकते, ऑटो सेक्टर में बहुत स्ट्रांगली हमारे पास में एक अच्छा खासा जोन जहाँ से एक रिएक्ट किया है, और बस मैं ऑटो सेक्टर को ये वाला लेवल चेस करता हुआ देख रहा हूँ जो कि 10,400 का लेवल, अगर इसे ब्रेक करता है तो देन वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। एंड लाइक प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक का मैं एनालिसिस देता हूँ, दैट इज ऑल अबाउट हमारे पास काउंटर पार्ट कौन सा, आईटी एंड ऑटो थोड़ा सा काउंटर पार्ट बनेगा, बट बाकी सारा मार्केट बुलिश है। अब मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी को कोई नहीं बोल सकता कि डाउनसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम में, बट यही अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम में तो मेरे पास में एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा एक जोन पेंडिंग है, और इस जोन को पेंडिंग जोन को फिल करना निफ्टी के लिए एक आसान बात नहीं है, बिकॉज मैं इससे पहले इस जोन को फिल करने से पहले इसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक बता देता हूँ। एक आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर इस गैप को फिल पक्का करेंगे, वो भी 250 पॉइंट नीचे आ सकता है, बैंक निफ्टी आ सकता है क्यों आ सकता है मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूँ, बैंक निफ्टी का, ध्यान से सुनेगा सभी के सभी, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आई होप आप ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करने आए होंगे गाइस, राइट। अगर मैं बात करूं गाइस, दिस इज अ टाइम फ्रेम जहां से मैंने खुद बाय भी किया था नो डाउट, और अगर मार्केट को आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, काफी लोगों को लग रहा है कि इसने इधर से सपोर्ट लिया है, नो वी आर रॉन्ग, मार्केट सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तोड़ चुका है। काफी लोगों को ये लग रहा है कि सपोर्ट था, नहीं ये सपोर्ट तोड़ चुका है, रिपीट मैं कर देता हूँ, ये सपोर्ट तोड़ चुका है, राइट, ये सपोर्ट तोड़ चुका है और सपोर्ट तोड़ करके अंदर एंटर भी हो चुका है। तो हमारा काउंटर मूव क्या होना चाहिए, अब 4 घंटे में हम काउंटर मूव नहीं देख सकते, लिटरली बोल रहा हूँ काउंटर मूव 4 घंटे में नहीं देखा जा सकता। अब काउंटर मूव कहाँ देखा जाएगा, आपको थोड़ा टाइम फ्रेम घटा करके 30 मिनट्स में आना पड़ेगा। अगर मैं 30 मिनट्स का एनालिसिस करूँ तो मेरे बेसिकली एनालिसिस रहेगा मेरे भाई ये वाला, मैं बेसिकली क्या सोच रहा हूँ, मार्केट के अंदर में हाई राइज देखता हुआ चल रहा हूँ, दैट इज हाई। अभी मेरा जो टाइम है फिबोनाची लगाने का है, अगर मैं फिबोनाची लगा के देखूँ तो मैं कहीं ना कहीं गाइस बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, जैसे लो लोस बनाता हुआ चल रहा है 30 मिनट में, तो ये लो लोस को मैं कंटिन्यू करता हुआ देख रहा हूँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वो नियर बाय 36,200 के लेवल पे आ करके, क्योंकि हमारे पास में दो रीजन है, एक फिबोनाची का लेवल है, एक प्लस लास्ट रिजेक्शन हायर हाइज है, प्लस मेरे पास के अंदर में ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो मैं अपनी नई पोजीशन 0 to 0 कॉल है जो भी कुछ भी मैं सोचूंगा तो मेरा एसएल ये रहेगा, और मेरा टारगेट अब की बार 37,500 के ऊपर रहने वाला है जो भी कॉल मैं दूंगा ये चीज़ है। बट यहाँ से आई नीड कि कल मार्केट तो गैप डाउन खुले या तो मार्केट साइड भी खुले, बस गैप अप नहीं खुलना चाहिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो पूरा सेटअप खराब कर देगा। और यहाँ से मैं बताता हूँ दिस इज अ बेसिक ट्रेंड लाइन जिसके अंदर मार्केट कल ड्राइव कर सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा सा हवा सा बना रहेगा कि मार्केट में अप जाएगा डाउन जाएगा इस तरीके से, बिकॉज द रीज़न वेरी सिंपली ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसको ना सोच के चले कि अरे सर ये तो ब्रेकआउट हो गया हमने तो कॉल लिया है, कॉल वालों को मैं बोलूँगा जो 9 सितंबर वाली कॉल है उनको ले तो मैं यही बोलूँगा कि भाई आप होल्ड करना, बट जो 9 सितंबर वाले नहीं हैं 2 सितंबर वाले हैं उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कोई नहीं, कभी और दिन आएगा कमाने का कमाएंगे। तो कहने का मतलब अगर बैंक निफ्टी के अंदर में ये ड्राइव करेगा नियर टू नियर 1% के नियर बाय अगर करता है तो नो डाउट भाई आपको निफ्टी के अंदर में गैप फिलिंग बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। व्हाई? बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज अ ट्रेंड लाइन विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को लेकर के ये डाउन साइड का मोमेंटम बहुत ईजिली क्रिएट कर सकता है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी मार्केट गैप अप खुल करके रिजेक्शन देता है तो मार्केट लो लोस इसी ट्रेंड लाइन में बनता हुआ चलेगा और पहले जोन क्लियर करके उसके बाद बाय करेगा। तो आप चाहो तो आप बैंक निफ्टी के अंदर में एक शॉर्टिंग कर सकते हो, पुट ऑप्शन लेकर चल सकते हो, बट दैट इज मैं बता देता हूँ ये वीडियो एक डिस्क्लेमर देकर के चल रहा हूँ मैं, आप ट्रेड लेने से पहले ये सारी की सारी चीज़ें सोच समझ के चले, मेरा एनालिसिस कभी गलत नहीं हुआ, बट हाँ फिर भी आप एक बार लेकर के जरूर चलें। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा नो डाउट, बट हमारे पास में बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेवल के ऊपर है कि जहाँ से मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मार्केट को अभी बाय सिचुएशन नहीं है,
थोड़ा सा लो लोज देख रहा हूँ मैं। और जब भी मार्केट में ये जो लो है ना, आप देख सकते हो बहुत एक्सट्रीम अच्छा तरीके का लो लोज है। मार्केट थोड़ा डाउन आएगा, रिजेक्शन देगा, थोड़ा डाउन आएगा, रिजेक्शन देगा, थोड़ा डाउन आएगा, रिजेक्शन देगा। जब भी बहुत छोटे लो लोज बनने लग जाए ना, उस दिन जब ब्रेकआउट करेगा, वी आर गोना बाय। हम बाय करेंगे, बहुत छोटा एसएल रख करके हम ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर में 1:3 ट्रेड लेना, 1200 पॉइंट का ट्रेलिंग लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मार्केट लेट सपोज मान लो कि मार्केट यहाँ से ऐसा ट्रेड नहीं किया, तो वी हैव अ प्रॉपर सपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। तो हमारे पास में यहाँ से मार्केट को ब्रेक, सिर्फ एक बार ब्रेक चाहिए, ब्रेक होते में एक छोटा सा टारगेट लेके चल सकते हैं। बिकॉज मैं आपको इसके पीछे का काउंटर पार्ट दिखाता, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे आकर के उठेगा। सुनो, मैं आपको SBI का चार्ट दिखा देता हूँ कि SBI का चार्ट इज लुक लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट है SBI का, एक अप ट्रेंड का। मैं आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाता हूँ गाइस, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना छोटा रखना चाहूँगा। SBI को अगर आप HDFC को देखोगे तो HDFC ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, पर HDFC भी नो डाउट आपका इस लेवल से रीटेस्ट हो चुका है, बट ब्रेकआउट नहीं आया है, तो एक अच्छा साउंड है। कोटक महिंद्रा की मैं बात करूँ, कोटक महिंद्रा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ब्रेकआउट दिया है, मैं थोड़ा सा ना इस लेवल की नियर बाय इसको देख रहा हूँ। नो डाउट आपके पास में AU बैंक होगा जो इसको ड्राइव करेगा डाउनसाइड के मोमेंटम, और नो डाउट काफ़ी दिनों से कर भी रहा है, राइट। तो AU बैंक में किस तरीके का मोमेंटम है और कहां तक मार्केट आ सकता है, मैं आपको बता देता हूं। AU बैंक में जनरली इस लेवल का मोमेंटम है जहां से मार्केट ने रिजेक्ट भी दिया है। आई नीड क्या कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट दे चुका है, बट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के लिए नीचे जरूर आएगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट, अगर देखो मैं कल का प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं कर सकता मार्केट क्या होगा, अगर मार्केट इसी को पूरा प्रॉपरली और बहुत इज्जत से मार्केट अगर इसे रिस्पेक्ट करता है और ऐसे लो लोज बनाता है, तो भी हम कल भाई थोड़े से लेवल के लिए शॉर्ट करेंगे। बट कल का लेवल अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कल अगर मार्केट साइडवे खुलता है तो भी बढ़िया, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो भी बढ़िया, और मार्केट अगर ऊपर खुला बट ऊपर खुलने के बाद में ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के नीचे रहा मार्केट, तो हम दोनों साइड में शॉर्ट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में शॉर्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो जैसे भी आपको लगे एनालिसिस भाई, थैंक्स अ लॉट, आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, आपने एनालिसिस पे विश्वास किया, और आई होप मैंने आपको आज डिसअपॉइंट नहीं किया था ट्रेड लेने के लिए, मतलब ट्रेड के ऊपर, बट आपने ट्रेड लिया, पैसे कमाए, आई एम वेरी हैप्पी। टेक केयर गाइज, अपना ध्यान रखें, मैंने अपना एनालिसिस कर दिया है, और जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं वो आप अपने होल्डिंग ग्रुप में जुड़ना चाहो तो राइट हैंड साइड दिए नंबर पे आप आ सकते हो, दैट इज़ अ पेड ग्रुप, ओके, पेड ग्रुप है। और कोई प्लीज़ इसमें कमेंट मत कर देना कि भाई ये तो क्या नाम है, नो ट्रेडिंग डे था, ये चीज़ मत कर देना भाई, वो सभी ने की स्ट्रीम, मैंने अकेले ने नहीं करी है। और एक बहुत प्यारी सी चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी को, मेरे सभी भाइयों को, अगर आपको बुरा लगे अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार स्ट्रीम को, इस लाइक वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल को अच्छा लगे, और अगर हो सके, अगर आप लोगों को कोई बुरा प्रॉब्लम ना हो तो आप इसके अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा मेरा एनालिसिस। ओके गाइस, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, जल्दी से जल्दी कल सुबह 8:30 बजे मिलते हैं स्ट्रीम पे। ओके टाटा गाइस, टेक केयर।